उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सपा विधायक जाहिद बेग की आवास पर एक 17 साल की लड़की का एक कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। नाजिया नाम की युवती पिछले कई वर्षों से विधायक के घर पर रहकर घरेलू कार्य करती थी, लेकिन आज सुबह पंखे से लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई और घटना के बाद से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मालिकाना की है, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब भदोही विधानसभा सीट से सपा विधायक जाहिद बेग आवास पर एक कमरे में एक 17 साल की लड़की का शव मिला। जानकारी के मुताबिक लड़की पिछले कई वर्षों से सपा विधायक के घर काम करती थी, जिसके आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका मिला। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी भदोही और प्रशासनिक टीम द्वारा स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। उस दौरान भदोही एसपी मीनाक्षी कात्यान का मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, जनपद भदोही के भदोही थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ के जो लोकल MLA हैं, उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया, उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, हर बिंदु पे जांच की जा रही है। अभी तक किस तरह के परिजनों से बातचीत कर रहे? देखिए, जो परिजनों से बातचीत में ये इतना आया है कि लड़की कल रात में 10-11 बजे खाना खा करके सो गई थी, उसके बाद ये घटना रात की ही है, और इसमें एग्जैक्ट क्या कारण है, किस इसने क्यों फांसी लगाई, इसकी ये तो जांच का विषय है जो किया जा रहा है। विधायक कब से काम कर रही थी, कितने साल की है वो? ऐसे में जहां एक ओर प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सपा विधायक के घर हुई घटना के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही लड़की की मौत का खुलासा करने का दावा कर रही है। पंजाब केसरी TV के लिए भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।